Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मॉन्ट्रियल में पुलिस को स्कूलों में चोरी करने वालों की तलाश, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हालिया वर्षों में कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात में दिलचस्प लम्हात देखने में आए हैं। ट्रूडो कहते हैं कि वायरल होने वाली वीडियो में मैं ट्रंप का मजाक नहीं बना रहा था। ऑन्टेरियो में लाखों डॉलर्स का जुआ खेलने वाला ग्रुप पकड़ा गया। पुलिस की जानिब से 228 चार्जेस लगाए गए हैं। कैनेडियन सूबे की विफाक की हुकूमत के चाइल्ड वेलफेयर लॉ की मुखालफत कानून को सूबाई खुद मुख्तारी के लिए खतरा करार दे दिया। मॉन्ट्रियल में शदीद सर्दी की लहर, शहरी इंतजामिया ने बेघर अफराद के लिए अहम इकदाम कर दिए। अमरीकी सदर के खिलाफ मौखजे की करारदाद पास, ट्रंप को सेनेट में जाने की जल्दी। ईरान ने तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुजाकरात की मुखालफत कर दी। ईरानी हुकाम कहते हैं कि अफगान अवाम की शिरकत के बगैर कोई भी इकदाम गलत होगा। दुश्मनान इस्लाम से अपने तहफ्फुज़ के लिए गैर मुस्लिमों पर इन्हिसार खत्म करना होगा। मलाइशिया के वजीर आजम कहते हैं कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अपनी खामियों को दूर करना होगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हालिया बरसों में कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात में दिलचस्प लम्हात देखने में आए हैं। कहते हैं कि ट्रंप का मजाक नहीं बनाया, नाफ्टा मुहाइदे की जल्द मंजूरी के लिए पुरउम्मीद है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हालिया बरसों में कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात में दिलचस्प लम्हात देखने में आए हैं। उनका कहना है कि नेटो इजलास के दौरान उनकी वायरल होने वाली वीडियो में वो अमेरिकी सदर की तस्दीक नहीं कर रहे थे। मुकामी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रूडो का कहना था कि वो लीक होने वाली वीडियो में इस दिन होने वाले इजलास के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि वो कुछ रोज बाद ही अमरीका के साथ नाफ्टा मुहिदे पर कामयाब हो गए थे। ट्रूडो का कहना था कि हम अहम मामला पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में नाफ्टा मुहादे की तौसीक में मंजूरी के हवाले से पुरउम्मीद है। उनकी हुकूमत की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बिल को पास किया जाए। ट्रूडो ने अमरीकी सदर के मौखजे पर रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो अमरीका के दाखिली मामलात में नहीं पढ़ना चाहते, उनकी जिम्मेदारी कैनेडा के मुफादात के लिए काम करना है। पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी जुआ खेलने वाले मुनज्जम ग्रोह पर 228 के करीब चार्जेस लगाए गए हैं। जुए से हासिल होने वाले मुनाफे को मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल किया जाता था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी जुआ खेलने वाले मुनज्जम गुरु पर 228 के करीब चार्जेस लगाए गए हैं। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि नामालूम गुरु से ताल्लुकात और एक कत्ल के सिलसिले में जुए के मुबैना गैर कानूनी ऑपरेशन की तहकीकात के बाद दर्जनों मुश्तबा अफराद को सैकड़ों इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट होबार्ट के नाम से की जाने वाली तहकीकात में सूबाई पुलिस ने 18 दीगर एजेंसी के साथ मिलकर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें लंदन नियाग्रा रीजन टोरंटो और हैमिल्टन के इलाके शामिल है में ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में जुए में इस्तेमाल होने वाले लाखों डॉलर्स को जब्त कर लिया गया है। जुए से हासिल होने वाले मुनाफे को मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि इस ऑपरेशन में 28 अफराद पर मुख्तलिफ नौयत के जिनमें एतमाद की खिलाफ वर्जी बुक मेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स चोरी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होने के मुख्तलिफ चार्जेस लगाए गए हैं। मॉन्ट्रियाल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं मॉन्ट्रियाल पुलिस ने 3 में से 1 शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर शुबा है कि वो गुज़िश्ता 4 माह से शहर के शुमाली और मशरकी इलाकों के स्कूलों में चोरी की वारदातें कर रहे थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियाल पुलिस ने 3 में से 1 शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर शुबा है कि वो गुज़िश्ता 4 माह से शहर के शुमाली और मशरकी इलाकों के स्कूलों में चोरी की वारदातें कर रहे थे। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को अदालत में पेश किया गया जिस पर 3 मुख्तलिफ चार्जेस लगाए गए। पुलिस की जानिब से दीगर 2 अफराद की तस्वीर जारी की गई है और इस हवाले से शहरियों से मदद की अपील की गई है। पुलिस ने कहा है कि दोनों अफराद से मुतालिक कोई भी मालूमात करीबी थाने या 911 पर इत्तला दें। कनाडा के सूबे क्यूबेक ने वफाकी हुकूमत के मुकामी बच्चों की बहबूद और कानून से अलहदगी का फैसला किया है। सूबे की जानिब से मौकिफ अख्तियार किया गया है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी पर खतरा है। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। कनाडा के सूबा क्यूबेक ने वफाकी हुकूमत के मुकामी बच्चों की बहबूद कानून से अलहदगी का फैसला किया है। सूबे की जानिब से मौकिफ अख्तियार किया गया है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी पर खतरा है। क्यूबेक की हुकूमत ने सूबे के कोर्ट ऑफ अपील से इस कानून के हवाले से रजू कर लिया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वफाकी हुकूमत का नया कानून फर्स्ट नेशन रहनुमाओं पर दबाव डाल रहा है जो कि नौजवानों के तहफ्फुज़ के लिए इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। मजकूरा कानून मुकामी लोगों को उनके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हुकूक फराहम करता है जबकि उनकी कम्यूनिटीज़ पर जोर देता है कि वो बच्चों की देखभाल को तरजीह दें। क्यूबेक की वजीर इंसाफ कहती हैं कि ये कानून सूबे के खुद मुख्तारी समाजी खदमात के शोबों और नौजवानों के तहफ्फुज़ को मुतासर करता है। मॉन्ट्रियाल के इंतजामिया की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि शहर में सर्द तरीन रात आने वाली है जबकि शदीद सर्दी के मौसम में शहरी कमजोर अफराद पर भी तवज्जो दें। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियाल के इंतजामिया की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि शहर में सर्द तरीन रात आने वाली है जबकि शदीद सर्दी के मौसम में शहरी कमजोर अफराद पर भी तवज्जो दें। मॉन्ट्रियाल के मेयर की जानिब से कहा गया है कि शहर का दर्जे हरारत -20 तक पहुँच जाता है जो कि तकरीबन 3000 बेघर अफराद के लिए खतरनाक है। शहरी हुकूमत की जानिब से 211 और 911 पर राब्ता करने को कहा गया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि शहरियों को बेघर अफराद की मदद में कोई झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए 1100 मकामात पर सहूलत फराहम की गई है जिनमें ओल्ड रॉयल विक्टोरिया अस्पताल भी शामिल है जहाँ पालतू जानवरों के लिए भी सहूलियात रखी गई है। हुकूमत की जानिब से 2 वार्मिंग सेंटर, 1 प्रेसिडेंट कैनेडी स्ट्रीट जबकि 1 ओंटारियो स्ट्रीट पर बनाए गए हैं। कुछ बात कर लेते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौखजे की करारदाद पास हो गई जिस पर उन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौखजे की करारदाद पास हो गई जिस पर उन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सैनेट मौखजा तहरीक पर जल्द से जल्द ट्रायल करे। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेट के पार्लियामेंट में ना तो वकील है और ना ही कोई गवाह, अब वो सैनेट को ये भी बताएं कि ट्रायल कैसे किया जाता है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने और रुकावट डालने का इल्जाम है जिसकी वजह से अमरीका के ऐवान ज़ेरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऐवान नुमाइंदगान में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौखजे की करारदाद पास हो गई है। इसी के साथ ही ट्रंप अमरीका के 3 सदर बन गए जिनके खिलाफ मौखजे की तजवीज पास कर दी गई। ईरान ने तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुजाकरात की मुखालफत कर दी है। ईरान के आला सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है कि इस बातचीत में अफगान अवाम और हुकूमत शामिल नहीं। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट में। ईरान ने तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुजाकरात की मुखालफत कर दी है। आला सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है कि इस बातचीत में अफगान अवाम और हुकूमत शामिल नहीं, इसीलिए ईरान इसकी मुखालफत कर रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रियर एडमिरल अली शमखानी ने एक बयान में कहा है कि अफगान अवाम की शिरकत बगैर कोई भी हिकमत अमली, कोई भी फैसला या मंसूबा गलत है, ये नाकामी से दो चार होगा। अमरीका पर इल्जाम आयद किया है कि वो अफगानिस्तान में सूरत हाल का फायदा उठाकर चीन, रूस और ईरान के सरहदी इलाकों में अदम इस्तकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि इलाकाई सलामती पर मुकालमा अमरीका की सलामती जमहूरिया ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की नाकामी का एक और सबूत है।
कुछ बात कर लेते हैं मलाशिया में मुस्लिम ममालिक के मसाइल के हल के लिए कोलालंपुर सरबरा इजलास से खिताब करते हुए महातिर मोहम्मद का कहना था कि हमें इस्लामोफोबिया से निमटना है मगर इसके लिए हमें अपनी खामियां भी दूर करना होंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलाशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद का कहना है कि दुश्मनान इस्लाम से अपने तहफ़ के लिए गैर मुस्लिमों पर इन्हिसार खत्म करना होगा। मलाशिया में मुस्लिम ममालिक के मसाइल के हल के लिए कोलालंपुर सरबरा इजलास से खिताब करते हुए महातिर मोहम्मद का कहना था कि हमें इस्लामोफोबिया से निमटना है मगर इसके लिए हमें अपनी खामियां भी दूर करना होगी। महातिर मोहम्मद का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसलमानों की मुश्किलात और उनके मसाइल की वजूहात की असल वजह जानना है। महातिर मोहम्मद का कहना था कि तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने की वजह से मुसलमान गैर मुस्लिमों के रहमो करम पर हैं, इसलिए अपने मसाइल के हल के लिए हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हम जल्द से जल्द तरक्की का सफर तय करें। इस मौके पर खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना था कि ये मौका है कि हम इस्लामोफोबिया दहशतगर्दी जैसे मामलों पर खुलकर बातचीत करें। तैयब उर्दवान का कहना था कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस्लामी दुनिया को जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स में अमल का जज्बा नहीं है। तुर्क सदर ने मुसलमान ममालिक को बाहमी तजारत अपनी करेंसी में करने पर भी जोर दिया। उन्होंने एक मरतबा फिर अक़वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की तंजीम नौ का मुतालबा करते हुए कहा कि दुनिया उन पाँच से कहीं बड़ी है। इस मौके पर ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि मुस्लिम ममालिक को अमरीका की मौशी दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हसन रूहानी का कहना था कि मुसलमान ममालिक को तजारत अपनी करेंसी में करने के अलावा मुश्तरका बैंकारी का मौशी निज़ाम भी बनाने की जरूरत है। ख्याल रहे कि मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालंपुर में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का सरबरा इजलास जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब को कोलालंपुर सरबरा इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात की क़यादत को यह खदशा है कि कोलालंपुर सरबरा इजलास कहीं OIC की जगह ना ले ले, जिस पर दरअसल सऊदी अरब का बहुत ज्यादा असर रसूख है। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज़ बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।